हेलो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोनॉमिक्स मेड इजी सो आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रलिटी ऑफ मनी के बारे में ठीक है ना सो so, सबसे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था क्लासिकल डाइकॉटॉमी के बारे में ठीक है तो क्लासिकल डाइकॉटॉमी होता क्या है डाइकॉटॉमी का मतलब क्या होता है एक डिवाइडिंग लाइन ठीक है ना तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने जब रियल और नॉर्मल वेरिएबल्स के बीच में एक डिवाइडिंग लाइन को ड्रॉ uh, कर दिया था तब से उसका नाम क्लासिकल डाइकॉटॉमी पड़ गया था अकॉर्डिंग टू दैम हम लोग थोड़ा रिकॉल कर लेते थे हमने अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या डिस्कस किया था ठीक है सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट उन लोग क्या बताते थे कि क्लास नॉमिनल वेरिएबल्स का जो है वो रियल वेरिएबल्स में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है बट क्या शॉर्ट रन में होता है या नहीं होता है दिस इज द क्वेश्चन दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है और या फिर आप लोग को याद है तो आप लोग इसका आंसर कर पाओगे एंड द आंसर इज नो वाई बिकॉज ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द प्राइस एंड

रियल वेरिएबल्स ठीक है ना बट लॉन्ग रन में करता है बिकॉज लॉन्ग रन में नॉर्मल वेरिएबल्स का कोई भी इफेक्ट नहीं है रियल वेरिएबल्स में ठीक है तो आज हम लोग न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में यही चीज़ ग्राफिकली समझेंगे ठीक है ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट नोट्स एंड डिफरेंट दे फॉलो डिफरेंट बुक्स सो डायग्राम जो है वो जरूरी नहीं है कि सब में सिमिलर हो बट Uh, बहुत सारे बुक या फिर बहुत सारे ऑथर क्या करते हैं इन्हीं डायग्राम को और ज्यादा ब्रेक कर देते हैं या फिर कोई एक नया जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सब ले आते हैं ठीक है ना सो इफ यू वॉन्ट यू कैन ड्रॉ दैट ऑल्सो एवरी 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 डायग्राम इज राइट एंड आई जनरली फॉलो दिस वन बिकॉज इट्स क्वाइट सिंपल फॉर मी सो ओके लेट्स मूव अहेड सो न्यूट्रलिटी ऑफ मनी में हमने क्या देख रहे हैं कि uh, सबसे पहले इनिशियली इकोनॉमी में एक मनी सप्लाई है जो कि हम लोग एम नॉट से कह सकते हैं सो so, एक मनी सप्लाई के कारण क्या हो रहा है एक स्टेबल मनी सप्लाई है तो ऑब्वियसली एक स्टेबल एग्रीगेट डिमांड बनेगा इनिशियल एग्रीगेट डिमांड वो एग्रीगेट सप्लाई के साथ इक्विलिब्रियम में मेंटेन करेगा एंड उस इक्विलिब्रियम से क्या मिलेगा प्राइस ठीक है प्राइस और आउटपुट यही मिलता है प्राइस और आउटपुट का कॉम्बिनेशन मिलता है ठीक है सो so, अब इससे क्या हो गया एक स्टेबल इकोनॉमी जो है अभी है अभी तक इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है और इस ये हो गया हमारा आउटपुट मार्केट ठीक है अब आउटपुट मार्केट के साथ हमारा लेबर मार्केट भी ठीक इक्विलिब्रियम में ही है उसमें भी एक रियल वेज रेट है जो कि इनिशियल वेज रेट डब्ल्यू नॉट्स हम लोग बता रहे हैं एंड इनिशियल प्राइस लेवल पी नॉट ऑब्वियसली एंड एक लेबर मार्केट भी इक्विलिब्रियम में है तो एक लेबर मार्केट जब इक्विलिब्रियम में है तो uh, हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट है मेंटेन हो रहा है और प्रोडक्शन भी हमारा अच्छे से मेंटेन हो रहा है सो एवरीथिंग इज गुड बट व्हाट इफ मनी सप्लाई इंक्रीजेस इन द इकनॉमी अब आता है न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का टेस्ट ठीक है ना सो so, अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का इम्पैक्ट क्या फिर नॉमिनल वेरिएबल का इम्पैक्ट क्या होता है रियल वेरिएबल होता भी है कि नहीं सो so, अब अगर चेंज इन मनी सप्लाई होता है और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होता है मे बी एम सॉरी दिस इज नॉट वर्किंग या नॉट इट इस वर्किंग ओके सो अगर मनी सप्लाई जो है वो एम नॉट से एम वन तक चला जाता है तो ऑब्वियसली मेरा एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट करेगा ठीक है प्राइस लेवल मेरा पी नॉट से पी वन में जाएगा एंड जो रियल वेज रेट है या फिर जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाएगा लेबर्स का अब हम लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में भी बहुत बार कहते हैं कि परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा ये हो जाएगा वो हो जाएगा आई ऑलवेज आई ऑलवेज गेट कन्फ्यूज वेन एवर आई लिसन टू दीज वर्ड्स बट चलो इसको थोड़ा सिंपल बनाते हैं इसका मतलब क्या होता है परचेजिंग पावर रिड्यूस हो जाएगा इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब हम लोग प्राइस को इंक्रीज़ करते हैं अगर इकोनॉमी में प्राइस इंक्रीज होता है तो मनी की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है जस्ट लाइक अदर थिंग्स इन लाइफ किसी भी चीज़ की सप्लाई तुम अगर ज़्यादा करोगे वो चाहे लव हो चाहे ट्रस्ट हो चाहे फ्रेंडशिप हो चाहे मस्ती हो कुछ भी हो अगर कोई भी किसी भी चीज़ की अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली वो आगे चल के हार्म करेगी ठीक है ना या फिर उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी लाइफ में ठीक है सिमिलर केस विथ मनी ऑल्सो अगर मनी की वैल्यू भी अगर मनी की सप्लाई भी इकोनॉमी में इंक्रीज हो जाती है तो उसकी वैल्यू भी रिड्यूस हो जाती है तो अब वैल्यू अगर रिड्यूस हो जाएगी मनी की अगर लेट जस्ट सपोज अगर मेरे पास टेन थाउजेंड का इनकम है उस टेन थाउजेंड से अब अगर मैं ज़्यादा कुछ नहीं खरीद पा रहा हूँ एज कंपेयर टू माई इनिशियल डेज देन ऑब्वियसली आई विल आस्क माई बॉस टू इंक्रीज माई सैलरी राइट सो सिमिलर थिंग जो है वो लेबर्स भी करते हैं देखो जैसे ही हमारा प्राइस जो है वो पी नॉट से पी वन में इंक्रीज हो गया उससे हुआ क्या रियल वेज रेट यानी कि परचेसिंग पावर जो है वो रिड्यूस हो गया तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ पे ऐसे ये ड्रॉ कर सकते हैं तो हमारा इनिशियल वेज रेट में हमारा पी वन है क्योंकि पी नॉट से पी वन है तो ऑब्वियसली जब ये पी वन इंक्रीज़ हो जाएगा तो मेरा रियल वेज रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा तो अब लेबर क्या करेंगे अपने परचेजिंग पावर का ऑब्वियसली वो सेम रखना चाहेंगे ना एज़ कम्पेयर टू इनिशियल डेज तो उसके लिए वो अपना वेज इंक्रीज़ करवाना पसंद करेंगे अब वेज को अगर वो इंक्रीज़ कराना चाहेंगे तो कितने प्रपोर्शन में उनको वेज को इंक्रीज करवाना पड़ेगा जितने प्रपोर्शन में प्राइस इंक्रीज हुआ है टू जस्ट कट द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज प्राइस ठीक है ना ताकि वो अपने इनिशियल लेवल जो कि डब्ल्यू नॉट बाई पी नॉट है वही ये डब्ल्यू वन बाई पी वन डब्ल्यू वन बाई पी वन आई जस्ट होप कि आप लोग को दिख रहा हूँ काफी छोटा लिखा हूँ मैं ओके डब्ल्यू वन बाई पी वन जो है वो इसी के इक्वल हो जाएगा ठीक है ना सो शुड बी लाइक दिस डब्ल्यू वन बाई पी वन इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाई पी नॉट लेबर यही जाएंगे ना हम सब लोग यही जाएंगे ना कि मेरी परचेजिंग पावर जो इनिशियल डेज में थी वही मेरी वापस आ जाए तो इसीलिए मैं भी उतना ही प्रोपोर्शन में सेम प्रोपोर्शन में अपने वेज को इंक्रीज करवाना चाहूंगा जितना प्रोपोर्शन में इकोनॉमी में प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ है ठीक तो अब देखो फिर यानी कि जैसे ही मेरा अब यहाँ पे जो था ये जो शॉर्ट रन वाला केस है ना ये जो शॉर्ट रन वाला केस है ना यहीं पर जो था जब मेरा वेज रेट जो है डाउन गया बस ये शॉर्ट रन में हुआ था जैसा कि हमने पढ़ा था क्लासिकल डाइकोटॉमी वाला क्लासिकल डाइकोटॉमी वाला डा क्लासिकल डाइकोटॉमी होल्ड इन शॉर्ट रन आवर आंसर वॉज नो बिकॉज इट हैज सम इफेक्ट है ना शॉर्ट रन में कोई इफेक्ट होता है नॉर्मल वेरिएबल का रियल वेरिएबल पे ठीक है ना वही इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है देखो जब प्राइस लेवल मेरा इंक्रीज हो रहा है तो वेज रेट डिक्रीज हो जा रहा है तो वेज रेट डिक्रीज हो जा रहा है तो ऑब्वियसली फिर लेबर मार्केट में डिसक्वलिब्रीम आ जाएगा तो वो फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है लॉन्ग रन में जाकर ठीक है ना तो जो शॉर्ट रन में डिसइक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ वही हमारा ट्रेड ऑफ है एक तरह से या फिर वही पे वहीं वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो रियल वेरिएबल पर होता है बट लॉन्ग रन में सब कुछ वापस आ जाता है एम्प्लॉयमेंट वापस आ जाती है एम्प्लॉयमेंट अपनी जगह पे आ जाता है प्रोडक्शन अपनी जगह पे आ जाती है सब कुछ एज इट इज हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफम्पन ऑफ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज एंड वेजेस ठीक है ना सो so, अब यहां पे हमने क्या देखा सिर्फ और सिर्फ मनी uh, सप्लाई के इंक्रीज होने के कारण सिर्फ और सिर्फ प्राइस लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया है और वेज रेट इंक्रीज हुई है जो कि दोनों ही नॉमिनल वेरिएबल्स है आउटपुट एम्प्लॉयमेंट सब के सब जो रियल वेरिएबल्स है वो सब अनचेंज रहते हैं यानी कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अनचेंज रह जाएगा ठीक है सो दिस इज इट अब यह अपस वी प्रूव दैट न्यूट्रलिटी ऑफ मनी का जो इफेक्ट है वो लॉन्ग रन में वो मनी जो है लॉन्ग रन में जाके न्यूट्रल हो जाता है इफ़ यू गाइज डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग देन जस्ट लेट मी नो बाई डूइंग कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन बिलो और और यू कैन मैसेज मी एट फेसबुक इकोनॉमिक्स में इजी पे ऑल्सो एंड ऑब्वियसली डोंट फॉगेट टू क्लिक द सब्सक्राइब बटन And also, one more thing uh, if you have any other topic uh, on which you want uh, to get some videos or get some lectures, then uh, do let me know. Thank you for watching my video.